इसी बीच गोविंद डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। और अपने समय में उन्होंने लिख के दिया था कि केंद्र सरकार कानून बनाए, यूपीए सरकार किसान के लिए, और उस कानून में एमएसपी अनिवार्य किया जाए। वो मोदी जी अपनी बात से पलट गए। इन तीनों कानूनों में मंडी व्यवस्था को खत्म करके एमएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र है। बड़े उद्योगपतियों से साथ करके उनको लाइसेंस दे करके किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने का षड्यंत्र है। नए नए तरीके के बिचौलिए पैदा करने का षड्यंत्र है। बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का, किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके माध्यम से किसान की व्यापारी उपज लेकर के उन्हें पौने दामों में स्टॉक कर लेगा, कालाबाजारी करेगा, मार्केट में उस वस्तु की कमी बता करके और उसको दुगने दामों में बेच सकेगा। उस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि जब तक दुगुना पैसा किसान की उपज का व्यापारी ले रहा है तब तक कोई कानून उसके दिक्कत नहीं करेगा। इसबगोल उदाहरण के लिए अगर जो पैदा पूरे देश में होती है, अगर एक व्यापारी ने उसका सौदा कर लिया और सौदा करने के बाद में कमी बता करके अगर उसके दुगुने दाम ले लिए दूसरे ही दिन, तो ये कानून कुछ नहीं कर पाएगा। सिविल कोर्ट में जाने का किसान का अधिकार को समाप्त कर दिया, केवल एसडीएम और कलेक्टर के ऊपर निर्भर कर दिया। इसके अलावा कोई किसान कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। आप बताइए कि जिले का कलेक्टर या एसडीएम किसान की मानेगा, या जो बड़े उद्योगपति मान लीजिए कल को अडानी सौदा कर लेता है पूरे देश की उपज का, किसानों की का, तो उसकी मानेगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति अपने को कंपनी का एजेंट बता करके किसान की उपज को अच्छे दामों में खरीदने का वादा करके किसान की उपज को ले जाएगा और पैसे नहीं देगा, गायब हो जाएगा, तो फिर वो किसान क्या करेगा? वो कोर्ट में जा नहीं सकता, वो एसडीओ और कलेक्टर के चक्कर लगाता फिरेगा। तो जो स्थितियां बनी है इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे इन कानूनों को वापस लेने के लिए। और इसी कड़ी में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश हैं उसके मुताबिक कल 10:30 बजे बिड़ला ऑटोडोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है, वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है, उसको कमजोर करने वाला है, किसान को मजदूर बनाने वाला है, और उसके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। और जैसा पता लगा है कि बड़े लोगों से काफी समय पहले से जो एफसीआई के गोदाम है उनका कॉन्टेक्ट किया जा चुका है, और ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाला गया है कि उनके पास में रेल होनी चाहिए, देश के 70% इलाके में उनके पास बड़े गोदाम होने चाहिए। उन लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ठेका दिया जाएगा जिससे
किसान ठगासा महसूस करेगा और उसको दुगुनी कीमत दिलाने वाली, आय दुगुनी करने वाली, वादा करने वाली पार्टियां बड़े उद्योगपतियों को उनकी आय को 10 गुना करने के लिए, ये किसान की आय को घटाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए 3 काले कानून लाए, जिसको हम लोग कल बैठ करके चर्चा करेंगे। आप सभी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम है, इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग पधारें और जो लोगों के विचार हैं उसको सुने कि किस प्रकार से ये 3 कानून किसान के खिलाफ हैं और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, AICC जनरल सेक्रेटरी जी स्वास्थ्य नहीं हो पाए हैं अभी पूरी तरीके से, काफी अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, MLAs, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसद प्रत्याशी, MLA प्रत्याशी और राजस्थान में जो किसान संगठन किसानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और पत्रकार बंधु, इनको सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि वो सब आए, चर्चा करें कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बात किसान की, गरीब की, मजदूर की करते हैं और फायदा धनाढ्य लोगों को, बड़े लोगों को पहुंचा दें। पंजाब ने जिस तरह से सम्मेलन किया है,